तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ। बाकी रात को बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, मेरे हिसाब से 4 बज गए थे मुझे वीडियो थोड़े से सेट करते हुए, और आज वो वीडियो आ ही जाएगी फाइनली। मतलब कल वाली एक पार्ट वन आ ही जाएगा, मैं डाल दूंगा। चाचू गुड मॉर्निंग। सब ठीक ठाक? सब बढ़िया। तैयारियाँ बढ़िया चल रही हैं? बस चल रही है। आपके सामने जैसी है हमारे लायक काम हो जरूर बताना मुझे आपको। मैं कह सकता हूँ कि एक एक्सीलेंट ब्यूटी लग रही है यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया, वाइड एरिया में, ब्रॉड एरिया में, एक जो ये लाइटनिंग के साथ, ये ग्रीन पैलेस की मतलब सारी चीज़ें डेकोरेशन हुई है ना, बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी लग रही है मुझे पर्सनली, बहुत अच्छी लग रही है। बाकी तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ। बाकी रात को बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, मेरे हिसाब से 4 बज गए थे मुझे वीडियो थोड़े से सेट करते हुए, और आज वो वीडियो आ ही जाएगी फाइनली। मतलब कल वाली एक पार्ट वन आ ही जाएगा, मैं डाल दूंगा। लेकिन अब ये जो व्लॉग का स्टार्ट हुआ है ना, ये बहुत सुबह सुबह हुआ है, 8 बजे के करीब हुआ है। हाँ, बुआ जी का घर बिल्कुल साइड में है, उसके साथ एक रेंटेड अपार्टमेंट ले रखा होगा उन्होंने, कि मतलब सारे बंदे आएंगे उनको स्टे करने के लिए, बहुत अच्छी सी जगह हो। और मैं अभी बालकनी में खड़ा हूँ, थोड़ी सी सनलाइट आ रही है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा देर भी हो गई थी, ठंड भी हो गई थी, जिसके कारण रजाई में सो गया था मैं, जाके 4 बजे मैं सुबह सो गया था। पर अभी ये दोबारा काम के लिए स्टार्ट होना पड़ेगा, एक काम वहाँ जाके संभालने पड़ेंगे, जो कि बुआ अगर हैं, जो भी थोड़े बहुत काम हमारे लायक हैं वो हमें मिल जाएंगे। बाकी चलो, जो भी हमारा काम होगा वो जाके मैं सीधा पूछ दूंगा कि मतलब क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या कुछ काम हमने संभालना है, वो जाके बुआ के घर संभाल लेंगे। बिल्कुल साइड में लगता हुआ घर है यार। और एक बार शादी वाले घर के सिनेमैटिक्स भी दे दूंगा, एक बार दीदी से भी मिल लेंगे, दीदी के ब्रदर से भी मिल लेंगे, और बुआ जी से भी मिल लेंगे, क्योंकि कल इतना हाई हेलो नहीं हो पाया। और फाइनली प्रोग्राम है आज रिंग सेरेमनी का, सारी ड्रेसेस वगैरह सब रेडी हैं, बैकअप है, एकदम फ्रेश होके अच्छी तरह रेडी है, सिर्फ गाड़ी में से उठाना है और पहनना है। सिर्फ मतलब 8 बजे के अराउंड है रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम। पर घर की वाइबिंग लेते हैं जाके कि घर का माहौल क्या चल रहा है। बाकी हम हैं सेक्टर में, एक सेक्टर 15 में ये वाला घर था गाइस, रेंटेड अपार्टमेंट कुछ इस तरह का। रात को बहुत मजा आया यहाँ पे सोते हुए, मतलब कुछ खास पता नहीं लगा सोते हुए, क्योंकि थकावट ज्यादा थी। सुबह 4 बजे आके सीधा यहाँ पे लेट गए, एक सेकंड में नींद आ गई। चलो अब तैयार हो जाते हैं, फिर चलते हैं शादी वाले घर में। गाइस अपार्टमेंट कुछ ऐसा था, अपार्टमेंट से बहुत नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, वो उतर के फिर साइड वाले घर में जाएंगे जो कि मैरिज हॉल है। तो हे गाइस, बैक विद द शादी होम, शादी के घर के ऊपर जा रहे हैं जहाँ पे मेन है, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या कुछ तैयारियाँ चल रही है, क्या काम चल रहे हैं। गुड मॉर्निंग बेटा। चाचू गुड मॉर्निंग। सब ठीक ठाक? सब बढ़िया। तैयारियाँ बढ़िया चल रही हैं? बस चल रही है। आपके सामने जैसी है हमारे लायक काम हो जरूर बताना मुझे, आपको बार बार परेशान करता रहूंगा व्लॉग में। बोझ गुड मॉर्निंग, एक बार हाय हेलो कर दो हमारी ऑडियंस के साथ। सब ठीक ठाक? तैयारी बढ़िया चल रही है। तो गाइस अभी दोबारा जा रहे हैं वहीं पे अपार्टमेंट में, एक बार ट्रैक सूट डालूँ यार मैं, इसमें थोड़ा अनकम्फर्टेबल हूँ। चलो चलते हैं वहाँ पे, फिर दोबारा सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जल्दी से चलते हैं भाई, थकने का कोई चांस नहीं बनता, बहुत सारे काम है, आराम से निपटा लेंगे। सारी जब फैमिली इकट्ठी हो जाती है ना, सारे काम आसान हो जाते हैं। जल्दी से ट्रैक सूट पहनते हैं, अपना लगेज तो ये रहा, थोड़ा सामान ये रहा। पारस भाई, भाई एक बार वो ड्रायर वगैरह सारा सामान ले आइयो नीचे से, अच्छी तरह तैयार होंगे। जैसे कि आज एंगेजमेंट का डे है, मतलब है ना, जो एंगेजमेंट का प्रोग्राम बहुत बढ़िया जाना चाहिए, डांस वाले स्टेप्स सारी चीजें सीख रखी हैं, बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम आपको दिखाऊंगा, डांस सारी चीज आपको दिखाऊंगा। भाई भी डांस करेगा, बिल्कुल मैं भी इकट्ठे डांस करूंगा, बहुत बढ़िया धमाका मचा देंगे, मतलब लड़कों वाले से एक स्टेप आगे चलेंगे लड़की वाले, हर चीज में, डांस में भी, हर चीज में। बाकी देखते हो क्या पता उन्होंने हमसे भी अच्छा प्रिपेयर कर रखा हो, पर कोई बात नहीं, वहां जाके देखते हैं कैसा सिस्टम है, क्या माहौल है वहाँ पे। दोबारा आ गया हूँ आपके बीच में, मतलब दोबारा रेडी होके आ गया हूँ, ट्रैक सूट डाल लिया, क्योंकि उसमें थोड़ा अनकम्फर्ट फील कर रहा था, पैंट है ना
पूरी रात की डाली हुई है, मतलब रात को थक गए थे आगे इसलिए पहन डाली हुई थी। अब ट्रैक सूट है, बढ़िया तरीके से काम कर सकते हो, सारी चीज़ कर सकते हो। अभी थोड़ी देर डोलने के लिए सेक्टर में, थोड़ी देर बाहर घूमने के लिए चलते हैं। चलो देखते हैं बाहर का माहौल कैसा है, वैसे ही सेक्टर में माहौल कैसा है। और एक शॉप पे भी जाना है हमने कोई चीज़ वगैरह लेने के लिए। अभी सुबह से अभी कुछ नहीं खाया, अभी तो आए हुए हैं, वो सारी चीज़ बना रहे हैं, तो हम नाश्ता करेंगे। मुँह हाथ भी धोए हैं इसलिए नहाएंगे, मुँह हाथ धोएंगे, अच्छी तरह तैयार होंगे, फिर आपसे मिलेंगे। गाइज अभी थोड़ी देर खाने का एंजॉय करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, सुबह से उठे हुए हैं। पापा और मम्मी तो मेरे से पहले आके बैठ गए हैं अभी। चलो एंजॉय करते हैं, आप भी हमारे साथ आके एंजॉय करो। ये भाई जा रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट पे, तो मतलब उसको अपनी पढ़ाई करनी थी ना, इसलिए इंस्टीट्यूट पे जा रहा है। यहाँ से हिसार से शादी से सीधा वहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, वो अपनी पढ़ाई कर लेगा, हम यहाँ पे व्लॉग अच्छी तरह कंप्लीट कर लेंगे। अभी डोल रहे हैं यहाँ सेक्टर में आराम से। हेलो गाइस, हिसार की गलियों में ऐसे ही घूम रहे हैं हम, किसी चीज़ का पता तो है नहीं हमें सेक्टर में कहाँ जा रहे हैं, कहाँ की डेस्टिनेशन को हम अप्रोच करेंगे, डेस्टिनेशन को ऐसा कुछ नहीं पता हमें गाइस। बाकी हमें यहाँ पे एक पार्क मिला है, ऐसे ही मतलब अननोन लोकेशन पे घूम रहे हैं तो एक पार्क मिला है। बाकी अभी आपको ये बता दूं कि आज पारस की मम्मी आने वाली है, अपनी बुआ आने वाली है, और भी तीन बुआ और आने वाली हैं, बहुत सारी बच्चा पार्टी भी आ जाएगी। बुआ के बच्चे हैं जो सारे बच्चे भी आएंगे आज, फुल एंजॉय करेंगे भाई, फुल एंजॉय करेंगे भाई बिल्कुल अच्छी तरह। मतलब सारों ने डांस प्रिपेयर तो नहीं कर रखा, जो भी उस टाइम स्टेप आया टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी आया, हमें इतना ज़्यादा नहीं आता, वैसे ही कर देते हैं भाई, हम तो कुछ भी कर देते हैं पर अच्छा करते हैं, क्योंकि बचपन से ही सारों का कनेक्शन है, फैमिली का बहुत बढ़िया है, इसलिए हाँ भाई बुआ की वेट सारों को रहती है। राखी के टाइम भी बुआ की पूरी वेट रहती है, आज भी पूरी वेट रहती है मामा घर आने की, हाँ मामा घर आने की इसको भी वेट रहती है, मेरे पापा जैसे इसके मामा है ना तो वेट रहती है। चलो कोई बात नहीं, अभी गलियों में ऐसे ही घूम रहे हैं। बाकी एक चीज़ की दुकान देख रहे हैं हम कि कोई चीज़ मिल जाए, वैसे मीठा वगैरह कुछ खा लेंगे आसपास में, वहाँ भी मिल रहा था पर यार वहाँ से हम आगे एक बार निकल गए, भाई तो इंस्टीट्यूट चला गया, मम्मी पापा उसके साथ ही चले गए उसको छोड़ने के लिए। अब देखते हैं वो कब वापिस आएगा, शायद कल ही आए उसी का शादी पे। हम तो ऐसे डोलते रहेंगे, मजे करते रहेंगे, व्लॉग बनाते रहेंगे, और पिछले व्लॉग की मैं अभी एडिटिंग करके डाल देता हूँ, उसको लाइक करो, सपोर्ट करो यार, शेयर करो। हे गाइस, दोपहर के टाइम कितना हुआ भाई, एक 45 ना शायद, एक 48 एक 45 में तो कोई फर्क नहीं है, दोपहर का टाइम हुआ है 1:45, और बाहर से घूम के धक्के खा के वापस आ चुके हैं, मार्केट से भी हर जगह हो आए थे। इन्होंने भाई वो मैग्नेट वाला इयररिंग लेना था, पता नहीं क्या ले लिया, रास्ते में गिर भी गया एक भाई का, 20 रुपये का एक लाया था, रास्ते में नुकसान भी कर दिया। चलो वो तो कोई बात नहीं, मिल गया। और वो गिरा किस कैसे था, रास्ते में तीन चार भाई, एक के पीछे तीन चार कुत्ते लगे थे भाई, एक बंदे के पीछे तीन चार डॉगी लगे थे, हर डायरेक्शन में से आ रहे थे, पूरी स्पीड में भागे हम तीनों भाई, पूरे फुल स्पीड में भागे, इसलिए एक गिर गया नीचे, पर फिर हमने वो ढूंढ लिया। बाकी अभी तो कोई बुआ नहीं आई है, सभी की वेट कर रहे हैं, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं ना, जैसे कि एक गाजियाबाद से आ रहे हैं, एक मैम से आ रहे हैं, एक बरवाला के हैं जो कि हिसार आ रहे हैं, मतलब टाइम तो लग ही जाता है, तो शाम के लगभग 4 बज जाएंगे उनके आते हुए, 4 या 5 बज जाएंगे ना भाई, 7 भी कह रहे हैं, 7 भी बज जाएगी। चलो देखते हैं, प्रोग्राम तो रात को शायद 9-1 बजे का होगा, 9 बजे से स्टार्ट होगा, तो उस टाइम से सारा बिल्कुल उन द स्पोर्ट सारी मूवमेंट आपको रिकॉर्ड कर दूंगा मैं, आप देख लेना। सो हे गाइस, वी आर इन द बैक इन द सेक्टर, मतलब दूसरी बार फिर दोबारा सेक्टर में आ चुके हैं। भाई कह रहा था ये भाई जानू भाई कि भेलपुरी यहाँ की अच्छी है सेक्टर 15 की, तो वो खा के ट्राई करके देखते हैं एक बार। चलो भेलपुरी खाने जा रहे हैं, मतलब दूसरी बार, लगभग 3 से 5 किलोमीटर घूम चुके होंगे आज के दिन में, यहीं कहीं आगे पीछे बार बार घूमते जा रहे हैं, क्योंकि शादी वाले काम है ना वो तो सारे निपट चुके हैं पहले से ही, भैया वगैरह सब निपटा चुके हैं, चाचू वगैरह, तो हम थोड़े बहुत काम में भी हेल्प करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ घूम ज़्यादा रहे हैं क्योंकि घर में ऑलमोस्ट सारा काम डन है। तो अभी भेलपुरी एंजॉय करते हैं, आप भी हमारे साथ भेलपुरी एंजॉय करो। भाई देखो जो हमारे पास ये चीज़ आई है वो है सेव पूरी, हमारे गोहाना में तो नहीं मिलती ना भाई, ये गोहाना में तो नहीं मिलती, ये मिली है हिसार में, और भी जगह मिलती होगी पर एक बार टेस्ट करके देखता हूँ। सो
हे गाइस, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। मैंने सोचा थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ अभी क्या चल रहा है। इतना ज़्यादा टाइम बीत गया, लेकिन सारी वो है ना जो कि एक पार्लर पे गए हुए हैं, सारे इकट्ठे तैयार होके ही आएंगे, उनको 3-4 घंटे आराम से लग जाएंगे। दीदी बस अभी जस्ट गई हैं तैयार होने के लिए। मैं थोड़ी सी लुक रिवील नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि थोड़ी बहुत वो यहाँ से भी तैयार हो गई थी, लेकिन वहाँ जाके और तैयार होना था, तो इसलिए इकट्ठी ही लुक दिखाऊंगा आपको। उनको भी लग जाएंगे 3-4 घंटे भाई, 3-4 घंटे उनको भी लग जाएंगे, तो सीधा वो प्रोग्राम पे मिलेंगे। अच्छे से मतलब कॉन्वर्सेशन करवाऊंगा जीजू का, दीदी का, उनको दिखाऊंगा, उनकी एंट्री भी दिखाऊंगा, सारी चीज़ें दिखाऊंगा। बाकी अभी थक चुका हूँ मैं, रात को सिर्फ 2 घंटे नींद ली है मैंने और भाई ने, भाई बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इसलिए चेयर पर बैठा हूँ, इसलिए थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद आपको फिर अपडेट करूँगा। मुझे तो क्या करना है, तैयार होने, फॉर्मल कपड़े डालने हैं, नीचे बूट्स डालने हैं, बास्केट डालनी है, टाई वगैरह, सारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं फॉर्मल ड्रेस की होती है ना, फॉर्मेलिटीज़ वो सारी पूरी करनी है। बाकी भाई भी अच्छी तरह तैयार होगा। भाई एक बार यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर भाई भी एकदम हैंडसम बन के जाएगा, डेनिम की पूरी यूनिफॉर्म ही डेनिम ही डाल रहा है, मतलब डेनिम की पैंट, डेनिम की जैकेट वगैरह सारी चीज़ें, ब्लू ब्लू है ना डेनिम की, हाँ ब्लू सारी डेनिम है, वाइट शूज़ बिल्कुल परफेक्ट लगेगा भाई तो, और हम भी कोशिश करेंगे कि परफेक्ट लगे। चलो फिर मिलते हैं और फिर आपको साथ में अपडेट दूंगा। हे गाइस, दोबारा से आपके बीच में आ चुका हूं, तो अभी रिंग सेरेमनी के प्रोग्राम में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, मैं तैयार हूं। ये कुछ मेरा फॉर्मल आउटफिट रहेगा आज के लिए, और पापा मम्मी सब तैयार है। पापा का एक ब्लेजर रह गया है वो गाड़ी में, बस उसको उठाना है और डालना है, पैंट शर्ट तो डाल रखी है। मैम वाला भाई तैयार है बिल्कुल अच्छी तरह से, वो का लड़का तैयार है, मम्मी अच्छे से तैयार है। मेकअप करते हुए 1 घंटा तो हो गया था, पर कोई बात नहीं है, मैंने भी थोड़ा वो टचिंग करी है, मेकअप वगैरह बिल्कुल नहीं, सिर्फ नॉर्मल होता है जो होता है, क्रीम वगैरह थोड़ी बहुत लगा ली है। बाकी अब चलते हैं, सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है जो कि एक रेस्टोरेंट कह सकते हैं, कि होटल कह सकते हैं, या बैंकेट हॉल भी कह सकते हो, वहाँ पे जाके पार्टी है आज रात की, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ के सिनेमैटिक शॉट्स लेते हैं और सभी से बात करते हैं। पापा रेडी हैं, पारस भाई रेडी है, मम्मी रेडी है, थोड़ा मेकअप का टाइम तो आज भी लगा दिया आपने, आज सुंदर लग रहे हो मम्मा, बहुत ज्यादा थैंक यू बेटा। सो हे गाइस, दोबारा से आपके बीच में आ ही चुका हूँ मैं, कैसे हो आप सब। बाकी अभी हम आ चुके हैं ग्रीन पैलेस में, जहाँ का इनविटेशन था, मतलब 9 तारीख की जहाँ पे रिंग सेरेमनी थी, वो पीछे आ चुका है, हमारी डेस्टिनेशन वो है, और अंदर जाके उसके सिनेमैटिक शॉट्स देता हूँ। पापा मम्मी यहाँ खड़े हैं, गाड़ी को लॉक कर रहे हैं, यहाँ पे पार्किंग है तो इसने पार्क कर दी है गाड़ी। ये अपना भाई आया हुआ है पारस भाई, जो कि अच्छी तरह डेनिम्स में तैयार है, फुल वेल ड्रेस्ड है। मैं हूँ सिंपल फॉर्मल ड्रेस में, बास्केट में और फॉर्मल शूज में। पापा और भी बहुत अच्छे से तैयार हैं, पापा ने एक ब्लेजर और डालना है। बाकी अभी हम दोबारा भी वापस जा सकते हैं, क्योंकि बुआ और आए हुए थे बस से, तो वो वहाँ से ऑटो से आएंगे, जो बुआ का मेन घर है ना, जहाँ की मतलब शादी वाला जो घर था, वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से ऑटो करके आना पड़ेगा दूसरी बुआ का, जो कि बस स्टैंड से आ रही है, तो हम क्या बताऊँ उनको लेने जाएँ गाड़ी से, जो गाड़ी यहाँ पार्क करी है। चलो देखते हैं क्या होगा, बाकी अंदर चलते हैं और अंदर के सिनेमैटिक शॉट्स आप एंजॉय करो। आ चुके हैं हम एंट्री पे ग्रीन पैलेस की, भाई क्या नज़ारा लग रहा है यार दूर से, यहाँ पर रूम्स होंगे, रिसेप्शन है। टाइम तो अंदर पूजा वगैरह चल रही है, मुझे इतना कुछ खास पता नहीं है, स्टेज पे मैंने थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स लिए हैं, आपको बताओ तो किस चीज़ की पूजा है तो मुझे आप बताना। बाकी अभी जो माहौल है ना, बहुत चिली माहौल हो चुका है, मतलब वेदर थोड़ा ठंडा है, और जो हवा चल रही है यहाँ पे एक बार देखो, या टेंट इधर उधर मतलब हिल जुल रहे हैं, तो अजीब सा तो लग रहा है, अजीब सा भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कूल ब्रेथ मैं ले पा रहा हूँ ना, मैं कह सकता हूँ कि एक एक्सीलेंट ब्यूटी लग रही है यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया, वाइड एरिया में, ब्रॉड एरिया में, एक जो ये लाइटनिंग के साथ ये ग्रीन पैलेस की मतलब सारी चीज़ें डेकोरेशन हुई है ना, बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी लग रही है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है। बाकी आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या पैलेस अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, सिनेमैटिक्स आप देख ही चुके होंगे,
बाकी पिछली वीडियो पे सपोर्ट करना यार, लाइक करना, कैसी लगी वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी जीजू नहीं आए हैं, दीदी नहीं आए हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं जो वो कि वो ही पूजा में बैठे हैं, पर कोई बात नहीं, उनकी वेट करेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे, जाके स्टेज पे ही करेंगे। हे गाइस, दोबारा वही है ना, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे बुआ का, यहाँ कब पहुँचेंगी, पर अब वो टाइम आ गया, बुआ सारी बुआ पहुँच ही चुकी हैं, शुरू से ही हीरोइन दिख रही हैं बुआ सारी। बाकी अभी ये वो है, स्टार्टिंग का लुक नहीं है, मतलब ये और ज़्यादा होगा, एक दो ब्यूटी पार्लर एक्सपर्ट भी हैं यहाँ पे, एक टीचर हैं यहाँ पे, चलो इसके बाद का लुक दिखाएंगे। दो दो छोटी हीरोइन भी हमारे साथ, ईशू हेलो मिलाओ, एक दीक्षा, ये कविता बुआ जी हैं, एक बार हेलो कर दो कैमरे में। हेलो पारस की मम्मी। अभी बुआ भी अच्छी तरह तैयार होंगी अंदर जाके, ये तो सिर्फ पहले का लुक है, बाद में तो बहुत अच्छा लुक आने वाला। अभी चलते हैं यार ग्राउंड फ्लोर पे, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, देखते हैं क्या कुछ आइटम है। पनीर टिक्का कह रहे हैं बहुत बढ़िया है, चलो चलते हैं ट्राई करते हैं सारी फूड आइटम्स। सारा कुछ सब बिल्कुल सारा का सारा प्रोग्राम हो चुका है आज, तो डांस बिल्कुल मतलब डांस करने का थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि लड़कों वाली की साइड से फुल प्रोग्राम हो गया था, मतलब डांस हो गया था। लास्ट टाइम तक डांस चलता रहा भाई, लास्ट टाइम तक उनका डांस चलता रहा, ये भी अच्छी बात है, पर कोई बात नहीं भाई, नाराज होने की कोई वो बात नहीं है, कल करेंगे अच्छी तरह से कल करेंगे। बाकी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, कल हल्दी का भी प्रोग्राम है, सुबह येलो कपड़े पहनने हैं, जिसमें इस छोटे भाई को भी सब कुछ पता है, बड़े भाई को तो सब पता ही है। कल मिलेंगे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हर चीज़ में छोटी छोटी हीरोइंस नखरे करेंगे, मुझे ये नहीं खाना, मुझे चीला खाना है, अभी मुझे कह रही थी कुर्सी खानी है मुझे।